एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लग रहा है कि किसने किसको वू किया होगा. इज इट स्वागता यू? बट ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस पे, बहुत लड़कियां लाइन मारती हैं, लड़के भी। जो थोड़ा लड़कियों जैसा बात करता है या लड़कियों जैसे मैनरिज्म्स है तो वो तो पक्का गे ही हो. हाय, माय नेम इज मयंक एंड आई एम एसएपी इंजीनियर, लिव इन बैंगलोर एंड आज हम रानी के साथ हैं बिग पाइड आइडेंटिटी पे। हेलो, नमस्कार एवरीवन. मेरा नाम स्वागता है और मैं भी बेंगलोर से हूं और मैं यहां बेंगलोर में पिछले 15 साल से हूं, यही जॉब करता हूं, अपने फैमिली और अपने पति के साथ बेंगलोर में रहता हूं और आज मैं यहां बिग ब्राइडेंटिटी पे रानी के साथ हूं. सो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं ये कहूंगी, या मतलब जैसे बोलते हुए ये भी थोड़ा सा रुके क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये सुनना आज भी शायद नॉर्मल नहीं लगता है लोगों को कानों में, यू नो, कि एक लड़का कह रहा है कि मैं अपने पति के साथ हूँ. सो या आज इन्हीं के साथ है बिग प्राइडेंटिटी. वेलकम बैक, वेलकम स्वागता, वेलकम मयंक, वेलकम टू बिग प्राइडेंटिटी. तो यार दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लगते हैं आप एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लग रहा है कि किसने किसको वू किया होगा. इज इट स्वागता यू चेज मयंक? या चेज करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन सही पकड़े आप. मतलब पहला प्रपोज करने वाला मैं था लेकिन चेज करने की जरूरत शायद नहीं पड़ी थी. ओके, मतलब हो गया था, वो आंखों आंखों में इशारे हो गए थे. सो बीइंग यू नो फ्रॉम द टेक्नोलॉजी टेक बैकग्राउंड से आप आए हैं, आपको लगता है कि आगे क्या टेक्नोलॉजी या इस वक्त भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कि लोगों में अवेयरनेस आई है अबाउट LGBTQ कम्युनिटी की और मे भी आगे और क्या पता अलग अलग और दूसरे इनोवेशंस भी आएंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मतलब लाइक यू नो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल फर्क पड़ा है. टेक्नोलॉजी ने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल कर दिया है बहुत सारे लोगों के लिए, जानकारी फैलाई है. कई यू नो फिल्म्स में, कई शोज में आज भी इन यू नो टॉपिक्स पे खुल के बात नहीं की, राइट? तब घर वालों के बीच या रिश्तेदारों के बीच दिस इज स्टिल अ टैबू टॉपिक, राइट? यू नो लोग खुल के बात करना चाहते नहीं है. कई लोगों को कई सारी चीज़ों का पता नहीं है. अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल, अ लॉट ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल. यू नो कमिंग आउट जर्नी, हमारे पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस जर्नी, इसमें भी काफ़ी सारी मदद हमें टेक्नोलॉजी से मिली. लाइक हमने उनको आर्टिकल्स पढ़वाए, हमने उनके दूसरे इंटरव्यूज दिखाए. तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हमारे यू नो कमिंग आउट और एक्सेप्टेंस जर्नी में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, राइट? और हमें हम समझते हैं कि जितना टेक्नोलॉजी और एडवांस होती थी उतना ही इसका फायदा भी होता जाएगा. लेकिन जैसे कि हर अच्छी चीज के दो पहलू होते हैं, राइट? अभी एक दूसरा साइड भी है, राइट? कई बार कई सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो भी हमें इंटरनेट पे या डिजिटल माध्यम से मिलता है, राइट, जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो. और अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो जो हम बोलते हैं ट्रोल्स, राइट? ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने जहाँ एक तरफ कई सारे लोगों को कई सारे यू नो आई वुड से देयर इज अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट दैट टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट इन, राइट? थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन एक्सेट्रा. इक्वली टेक्नोलॉजी ने ये भी किया है कि बहुत सारे एनोनिमस यू नो यूजर्स को यू नो उन्होंने वो पावर दे दिया है कि आप गुमनाम रहकर किसी और की जिंदगी के बारे में, किसी और के जिंदगी को लेकर कुछ भी बोल सकते हो, राइट? सो ये एक पहलू भी है. सो आई थिंक यू नो वन नीड्स टू बी अ लिटिल स्मार्ट, अ लिटिल केयरफुल कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो. बट अगर मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला देखूँ तो आई एम श्योर द गेन्स फार आउटवे द चैलेंजेस. तो यस, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद रहा है और आगे और भी फायदेमंद होगा. तो कभी आप मतलब आपने ये बात कभी दिमाग में आई है कि यार अगर यही चीज सपोज मैं अगर 20 साल पहले होता, आपकी जर्नी अगर सपोज यू नो 20 साल पहले शुरू होती तो क्या होता, कैसे होता, कभी दिमाग में आए हैं थॉट्स?
नहीं आए तो नहीं है, बट अभी आप बोल रहे हो तो लग रहा है. आई थिंक उस टाइम ऐसे नहीं होता बिकॉज ऑफ द जैसा एनवायरनमेंट रहता 20 साल पहले. अभी कुछ सालों पहले तक ही ये कॉन्सेप्ट एलियन था, मतलब हमारे पेरेंट्स के लिए एलियन कॉन्सेप्ट था ये. तो अब 20 साल पहले और कैसा रहा होता तो उसके बारे में तो इमेजिन नहीं कर सकते. अभी जैसे स्वागता बोल रहा था टेक्नोलॉजी, तो मेरी मदर को भी इसका आइडिया लगा था. एक टीवी शो आता है क्राइम पेट्रोल और इधर सावधान इंडिया, उनमें से कुछ उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था, गे कैरेक्टर. तो उसमें उनको उन्होंने देखा था तो उनको थोड़ा आइडिया था कि क्या होता है. तो 20 साल पहले तो नहीं, मतलब बहुत डाउटफुल रहता कैसे कर पाते हैं, क्या होता, मतलब किससे शादी, मतलब शायद लड़की से ही किसी से शादी करनी पड़ती. वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. सो प्रेजेंट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, थोड़ा फ्यूचर की भी बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, कहां क्या देख सकते हैं? जैसे आप तो इनोवेटिव लोग हैं ना, जरा इमेजिन करके देखिए आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या क्या. यहाँ पॉलिसीज की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज जो आप देख रहे हैं. बिल्कुल, हम बड़े, मतलब जैसा आपने कहा, इनोवेटिव से ज्यादा शायद हम पॉजिटिव लोग हैं. क्योंकि मतलब सोच पॉजिटिव रखेंगे तो शायद चीजें भी पॉजिटिव होंगी, राइट? तो मुझे जहाँ तक लगता है रानी, कि आगे माहौल और अच्छा होगा, राइट? यू नो, आफ्टर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 काफी फर्क आया है, राइट? काफी एक्सेप्टेंस आई है सोसाइटी में. बड़े शहरों की मैं अगर बात करूँ तो अधिकतर, राइट? हम जानते हैं कि छोटे शहरों में अभी भी काफी सारा बदलाव आना बाकी है, काफी सारा एक्सेप्टेंस आना बाकी है, काफी सारी जानकारी जानी बाकी है. लेकिन इवन बड़े शहरों में अगर मैं ये यू नो सेक्शन 377 के रहते हुए और अभी बड़े शहरों में बहुत एक्सेप्टिंग है. द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वेलकमिंग हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप, राइट? एंड इन मेनी केसेस हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी है ना, तो वो इन अ ग्रुप वो जाहिर नहीं कर पाते हैं. इट्स अ वेरी गुड स्टेट, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो आई विल बी जज्ड एज अ होमोफोब, राइट? एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसीलिए बड़े शहरों में तो अभी काफी हद तक टेबल्स टर्न हो गए, राइट? हालांकि कई चीजों में अभी भी काफी सारी चीजें आनी है, बट देन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मूवमेंट दैट हैज हैपेंड बड़े शहरों में. और आने वाले सालों में, राइट, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद नहीं, कि और ज्यादा बदलाव आने वाले हैं पॉजिटिव, राइट? क्या सोसाइटी पूरी तरह से एक्सेप्टिंग हो जाएगी? शायद नहीं, राइट? क्या 100% एक्सेप्टेंस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं. आज भी मुझे लगता है कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने काफी सारा प्रोग्रेस ऑलरेडी कर लिया है, वहां पे भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? एनी काइंड ऑफ सोसाइटल चेंज यू नो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफी समय लगता है. तो मुझे नहीं लगता कि 5-10 साल में पूरे 100% एक्सेप्टेंस, लेकिन काफी हद तक चीजें बदल जाएंगी. और इसका मुझे भरोसा इसलिए है कि मैंने पिछले 5 साल में ये बदलाव देखा है. बदलाव हमारे खुद के लाइफ में, व्हेन आई से खुद के लाइफ में, आई थिंक द वे वी लुक एट आवरसेल्फ आल्सो, राइट? और हमारे परिवार के आउटलुक में भी, राइट? आज और हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारे इमीडिएट फ्रेंड सर्कल, अगर मैं भी देखूं, हमारे ऑफिसेज में देखूं, तो देयर इज सो मच चेंज दैट हैज हैपेंड. कई हद तक ये आज कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, राइट? पीपल आर नॉट बॉदर्ड, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिएक्शन, राइट? यू नो, यू डोंट रियली गिव अ रिएक्शन टू अ स्ट्रेट पर्सन सेइंग कि अच्छा आप स्ट्रेट हो. तो फिर एक नॉन स्ट्रेट या LGBTQI मेंबर को क्यों ऐसा बोला जाए कि अच्छा आप गे हो, अच्छा आप लेस्बियन हो, क्या फर्क पड़ता है आप क्या हो, एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान. तो ये काफी फर्क आया है बड़े शहरों में, आगे चल के और फर्क आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, राइट? छोटे शहरों में ये नॉलेज, छोटे शहरों में ये एक्सेप्टेंस कैसे फैले, कैसे फैलाया जाए. हम लोग भी छोटे शहरों से है रानी, राइट? मैं जमशेदपुर का हूँ, मैं मोदी नगर का है, हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार अभी भी वहाँ है, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज अभी भी वहाँ है. आज हम वहाँ जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, और हम, मतलब हमारे रिश्तेदारों में हमने किसी से भी हमारी सच्चाई अभी छुपाई नहीं है.
सबको सब पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बदलाव की जो बीज है वो तो उसका तो मतलब यू नो द सीड हैज बीन सोन राइट। ये चल के जहां हम और ऐसी कहानियां और ऐसी कई कहानियां हैं हमसे भी अच्छे भी सुनते हैं राइट। जितनी सारी इन कहानियों को आप जैसे माध्यम से हम और दुनिया के आगे लाएंगे तो ये बदलाव और ज्यादा हेसन होगा, जल्दी होगा राइट। तो बहुत होपफुल की चीजें काफी बदली हैं और आगे चल के और बदलेगी। और हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एज इन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और आपकी मेंबर ऑफ द प्रेस एज वेल एज एलाइज, कि इस चेंज को हम कैसे और ज्यादा कराएं राइट। तो दैट इज व्हाट आई फील। आगे आपने कहा कि स्टोरीज, तो आपकी तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है, टेल मी अबाउट दैट स्टोरी। मोस्ट ऑफ ऑल हम एक बिग जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ स्वागता के पेरेंट्स रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। Really? So that's a huge stick. We all stay under the same roof. शादी हुई हमारी socially. That was also one big tick for us on the kid's first birthday. Yes, अभी और एक tick बाकी है जो legal marriage वाला है, then I think वो भी होने के chances हों शायद in near future. I really want to know. जैसे मैं ना सबको ऐसा कहता हूँ, पता है आप लोग हंसते हैं कि मुझे तो ना बचपन से ही मम्मी बनना। So आपके दिमाग में ये बच्चों वाली बात कैसे है? I really want to know. नहीं, मैं तो पहले ये बोलूँगा जैसे आपको बचपन से मम्मी बनने का शौक था, मुझे बचपन से शादी करने का शौक ऐसा से था। और शादी मतलब पूरे तामझाम के साथ राइट, मुझे ऐसे मतलब छुपते छुपाते, और मतलब एक सोच होती है ना कि लाइक इतने सारे रिचुअल्स क्यों करना, इतने सारे पैसे क्यों खर्च करना शादियों में, एट द एंड ऑफ द डे शादी तो है राइट, मतलब लीगली कर लो। तो ऐसा कभी नहीं था मेरे साथ, मेरे साथ हमेशा था कि पूरे तामझाम के साथ, पूरे बैंड बाजा बारात के साथ शादी की तमन्ना थी मेरी बचपन से। But anywhere, are you worried about your kids? See, मतलब पहले आपके उस सवाल पे आते हैं कि लाइक यू नो कि बच्चा करने की क्या था? हाँ, यस 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 यस। तो मुझे हमें मतलब मेरे और मैं में एक सिमिलैरिटी, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं एक्चुअली। तो मतलब जो हमारा बेसिक बनावट है वो काफी सेम है, लाइक हमारे सोच जो है राइट, थॉट प्रोसेस फैमिली के लिए, करियर के लिए, द वे वी आर बिल्ट, हमारे उसमें काफी सिमिलैरिटीज है राइट। हालांकि डिफरेंसेस भी काफी हैं, लेकिन कोर इज प्रीटी सिमिलर राइट। तो हमें दोनों में ये ख्वाहिश हमेशा से थी कि हमें मतलब पेरेंट्स तो बनना है, कैसे बनेंगे, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन तमन्ना बड़ी स्ट्रांग थी कि बनना है राइट, करना तो है, करना तो है, मतलब तो बनना है। और ये तमन्ना हमने हम मतलब 2-3 महीने थे रिलेशनशिप में तब हम अपना पहला डॉगी बेबी लेके आए थे, वो आज भी हमारे साथ हो गया वो तो, बट देन ह्यूमन बेबीज भी कर रहे थे। और जब ये फिर जब धीरे धीरे जब हमारी कहानी अनफोल्ड हुई, मतलब हम पहले अपने सिस्टर्स को हमारे बारे में बताया, उसके बाद हमने एक साल बाद अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने 1.5 साल लिए हमें एक्सेप्ट करने में, उसके बाद फिर जब हमने जाके फिर उनको ये बताया कि हम मतलब चाहते हैं कि हम बच्चे भी करें राइट। और उस दौरान कोविड था और कोविड ने काफी सारी तबाही मचाई रखी थी, सारी जिंदगियों का उथल पुथल करके रख दिया था। और वो उसी दौरान मैं पहली बार लाइफ में आई थिंक तब हमारे रिश्ते को तकरीबन 7.5-8 साल हुए थे, उन 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि हम 4 महीने के लिए अलग हो गए थे। मैं अपने घर गया था, वहां फंस गया था, मैं बैंगलोर में ही था अपने पेरेंट्स के साथ, वहां फंस गया था। इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ देयर वाज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड ऑल ऑफ अस। और उस समय अपने सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से बिल्कुल दूर रहना और इस अनसर्टेनिटी के साथ रहना कि पता नहीं आगे क्या होगा, कि मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे राइट। इतना सारा अनसर्टेनिटी था हमारी लाइफ में उस दौरान, हम सबकी लाइफ में राइट। तो दैट एक्चुअली ऑल्सो ट्रिगर्ड आर यू नो काइंड ऑफ ट्रिगर्ड आर फीलिंग कि हमें अगर हमें करना है तो करना है, क्योंकि लाइफ का आगे का कोई भरोसा नहीं है। हम बैठे यहाँ पे प्लान करते रहते हैं, भगवान अपनी अलग छड़ी घुमा रहे होते हैं राइट। तो आई थिंक ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली वी ऑल्सो यू नो फर्दर डिस्कस, हमने बात करी, हमने अपने पेरेंट्स से, उन्होंने भी हमारा साथ दिया,
उन्होंने समझा इस बात को, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि तुम लोगों को करना ही है तो अभी कर लो, क्योंकि ना तो हम जवान हो रहे हैं ना तो तुम लोग जवान हो रहे हो, और जितने दिन रहेंगे उतने हम और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को बड़ा करने में हम यू नो वी कैन प्ले राइट, हम चाहते हैं कि हम दादा दादी वाला रोल प्ले करें, तो अगर तुम लोगों ने करना है तो अभी कर लो राइट। एंड ये सारी चीजें जब हुई और तो दैट इज समथिंग विच आल्सो हेल्प्ड अस कि भाई हमने अपने डिसीजन को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया और सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट किए एंड देन वी वेंट फॉर सरोगेसी, द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो वी वर ब्लेस्ड विद आवर सन एंड आवर डॉटर। हाँ, आपके यू नो बैंक इफ यू वुड वांट टू टेक द सेकंड क्वेश्चन की बच्चों को लेकर, आई रियली वांट टू नो एज अ पेरेंट, और मैं आपकी भी कंसर्न्स जानना चाहूंगी कि आता होगा ना दिमाग में कि अभी अमेरिका जैसा तो अभी हुआ नहीं, हो जाए जल्द से जल्द, और वाई अमेरिका उससे अच्छा हो जाए, बिकॉज इमोशनली तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्ट्रांग हैं, यू नो, बट माहौल अभी वैसा है नहीं, तो आर यू वरीड अबाउट योर किड्स? मतलब आप तो पूरा करोगे ही प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट करोगे, आपकी फैमिली आप सब सपोर्ट करेंगे, बट बच्चा कभी तो अकेला होगा ही उस दुनिया में जो अच्छी नहीं है, टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी खराब है। राइट, मतलब थॉट्स आते हैं, मतलब हमने जब सरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट किया था तब भी हमारे दिमाग में ये थॉट्स आए थे कि वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड, मतलब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, देन दे विल गो टू स्कूल, बुली होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, देर आर टू सेम सेक्स फादर्स, देर इज नो मदर इन्वॉल्व, सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। मतलब वो तो सोचा था, देन वी प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि मतलब अभी दे आर टू यंग फॉर दैट टू नो राइट, द बेबीज दे आर टू इयर्स, तो वी विल गिव देम इंफॉर्मेशन बाद में धीरे धीरे एट द राइट मोमेंट, बट अभी वी मतलब अभी डिफिकल्टीज आते हैं थोड़े बहुत, बट वी ट्राई टू ओवरकम देम, एंड जैसे जैसे बड़े होंगे बच्चे देन मतलब एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग वी विल गिव देम इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट वी हैव प्लान्ड। थैंकफुली चीज़ें अच्छी तरीके से ही हो रही हैं अभी तक, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी अच्छे तरीके से होता रहे, क्योंकि हमारी कोशिश बड़ी जेन्युइन है, बड़ी ऑनेस्ट है राइट। तो हमने जब ये डिसीजन लिया तब भी हमने सोचा था कि शायद कुछ सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे, कुछ सवालों के जवाब हमारे बच्चों को देने पड़ेंगे, ये हमने काफ़ी सोचा, और हमने लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्थ राइट, इनफैक्ट वी शुड गो अहेड एंड लिव आवर लाइफ, और हमें अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो जानकारी दें और उतना तैयार करें कि कल को जब उनको ये सवाल आए कहीं से भी, अव्वल तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम सवाल आए, लेकिन अगर सवाल आते हैं तो हम उनको इतना और इस तरीके से तैयार करें कि उसका वो जवाब दे सके, उसको वो फेस कर सके। ओके, एक अपना शेयर करूंगा अभी इसी उस संदर्भ में, तो ये है कि मतलब अभी पिछले दिनों हमारे बच्चों के स्कूल का पहला फैमिली डे था, तो जब हम स्कूल में भी उनके लिए स्कूल ढूंढ रहे थे तब भी हमने जाके बताया भाई सेम सेक्स पेरेंट्स हैं, दो फादर्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दिस इज आवर फैमिली एंड आर यू गाइस ओके विद इट, और जो स्कूल बिल्कुल बहुत ज्यादा ओके था राइट, काफी सारे स्कूल ओके थे इन ऑल फेयरनेस, जो हमें लगा कि बहुत ज्यादा ओके था उसको, उस स्कूल में हमने अपने बच्चों को एडमिट कराया, इतना ओके था कि उन्होंने एडमिशन फॉर्म में बॉक्सेस थे फादर्स फोटो, मदर्स फोटो, फादर्स डिटेल्स, मदर्स, तो स्कूल की जो एडमिशन इंचार्ज थी उन्होंने बताया काम करो, एक फादर्स के जगह पे आप अपना फोटो लगा दो, दूसरे बार मदर्स वाले पे दूसरे फादर का फोटो लगा दो, और जहाँ पे डिटेल्स मांगा है फादर्स डिटेल्स है तो फादर्स डिटेल्स डाल दो, दूसरी जगह पे मदर्स डिटेल्स मांगना है तो मदर्स को काट के फादर लिख लो हाथ से और अपना दूसरे फादर का डिटेल डाल दो। नाउ दैट इज अ ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन है वो राइट। कहीं एक तरीका ये सोचने का है कि वो ऐसा फॉर्म ही नहीं होना चाहिए जहाँ पे फादर मदर मांगा जाए, पेरेंट बोलो, पेरेंट वन, बट दैट इज द नेक्स्ट स्टेप,
वो नेक्स्ट स्टेप है, राइट, वो आज नहीं है, लेकिन आज जो उस स्कूल ने हमें बोला कि भाई आप एक बाप की जगह पे अपनी फोटो और मदर की जगह पे दूसरे बाप की फोटो लगा दो, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी प्रोग्रेसिव थॉट दैट पेरेंटिंग इज नॉट अ फैक्टर, पेरेंटिंग इज अबाउट इमोशंस, राइट, दो बाप भी वो काम कर सकते हैं और एक बाप भी कर सकता है, एक माँ भी कर सकती है, मतलब इट्स नॉट अबाउट द जेंडर. तो ये तो वो स्कूल की खासियत थी. तो जब हमारे स्कूल में पेरेंट डे हुआ या फैमिली डे हुआ और हमने सोचा कि हमें जाके बोलना चाहिए कि नहीं बोलना, बिकॉज पेरेंट्स मे नॉट बी एज, ऑल पेरेंट्स मे नॉट बी इक्वली एक्सेप्टिंग, राइट, उनको हो सकती है प्रॉब्लम. तो फिर हम गए, लेकिन एक थॉट तो ये आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट रानी की चलो स्किप कर देते हैं, नहीं जाते, राइट, लेकिन फिर हमने एक दूसरे से बोला कि क्यों नहीं जाएंगे यार, लाइक यू नो, और कब तक नहीं जाएंगे, क्यों स्किप कर, राइट, फिर हम लाइक यू नो, इट वॉज अ फ्लैश ऑफ अ थॉट कि स्किप करते हैं, बट देन इमीडिएटली वी काइंड ऑफ रिफ्यूटेड इट. हमने बोला कि नहीं भाई हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, और हम अपने माँ बाप को भी लेके जाएंगे. तो नॉट ओनली वी वेंट, देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो वेंट, राइट, एंड वहाँ जब फैमिली को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आया तो हमने जाके खुद को इंट्रोड्यूस कराया और बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ ये ऐसे करा कि भाई ऑल ऑफ, मतलब यहाँ मौजूद सारी फैमिली बहुत खूबसूरत है, माँ है, बाप है, ये हमारी फैमिली है, उतनी ही खूबसूरत है जितनी की बाकी फैमिलीज हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे दो बाप हैं और हम दो बाप हैं और बच्चे हैं. एंड आई थिंक यू नो वी वर चीयर्ड, वी वर क्लैप्ड फॉर, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आई हो, नहीं आई हो, लेकिन हमें नहीं दिखा. इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आए, हमसे बात करा उन्होंने, और बहुत ही जेन्युइन डिस्कशंस, राइट, यू नो, डिस्कशंस लाइक आपको क्या बुलाता है बच्चे, आपको क्या बुलाते हैं बच्चे, यू नो, डिस्कशन, हाउ क्यूट, वेरी यू नो सिंपल डिस्कशंस, एंड आई थिंक दीज आर ऑल स्मॉल विंस, लाइक देखा जाए तो उतने स्मॉल विंस भी नहीं है, काफी नहीं है, नहीं है, आप दोनों आसानी से छुपा सकते थे ना. जैसे अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, तो मैं जिस पहचान से उनसे मिली हूँ वो वैसे मुझे दिखते हैं, बहुत लुक लाइक और बहुत आसानी से इसे छुपा सकते थे, राइट. आगे आप बोलो यार, आई डोंट नो उसके आगे मैं क्या ऐड करूँ. बिल्कुल आपने रानी बिल्कुल सही बोला कि काफी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, राइट, और ये स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में बैठाए गए. आपने बोला मूवीज, बिल्कुल सही बात है, मूवीज ने बताया है, मतलब मूवीज का बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट, यू नो गे कैरेक्टर्स को, लेस्बियन कैरेक्टर्स तो होते ही नहीं है मूवीज में, तो लेस्बियन तो प्रजाति ही एग्जिस्ट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चूनेट एक्चुअली, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चूनेट, या अनफॉर्चुनेट इंडीड. और गे कैरेक्टर्स को बड़ा एफेमिनेट दिखाना कि मतलब आप गे हो तो आप मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हो, पर्टिकुलर तरीके से बात, तो आपका पहनावा एक तरीके का है, आपका बोल चाल, चलना फिरना एक तरीके का है. ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. और ये मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मतलब आज जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, यू नो, जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ gender identities हैं, gender identities and sexuality are very two very different things, right? और कहीं ना कहीं इन दोनों को हम एक साथ जब merge कर देते हैं ना, तब हमें लगता है कि जो थोड़ा लड़कियों जैसा बात करता है या लड़कियों जैसे mannerisms है तो वो तो पक्का gay ही होगा. जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं. Actually, yeah. कहीं ना कहीं मतलब that is one person's you know gender identity versus somebody's sexual identity. They are very very different. मुझे कईयों ने बोला है, मैं को कईयों ने बोला है, अरे तुम तो गे लगते नहीं हो, मतलब क्या गेस के सींग होते हैं, क्या उनकी नाक टेढ़ी होती, मतलब क्या बोल रहे हो कि मतलब आप गे लगते नहीं. आई थिंक ये धीरे धीरे बदल रहा है और इस अवेयरनेस के साथ ही बदल रहा है जो मैं आपको बता रहा था. आई नो समता, आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगी, दो लास्ट क्वेश्चन है मेरे. एक तो सपोर्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आप कॉर्पोरेट्स भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हो गए हैं, पॉलिसीज तो सरकार तो काम कर ही रही है, इसके अलावा भी काफी चीजें अब जो वो सोच का दायरा है बढ़ गया है. जैसे मैं मुझे कोई बता रहा था कि अब इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ये कपल्स को इंश्योरेंस देना शुरू हो गई है. सो यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस चेंज. आई थिंक मतलब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अभी ये पॉलिसी मतलब काफी टाइम से है. यू कैन नॉमिनेट योर, इफ योर यू हैव सेम सेक्स पार्टनर देन यू कैन इंश्योर हिम फॉर हर, तो विच इज अ गुड थिंग आई वुड से. मतलब पीपल फील सेफ टू कम आउट एंड मतलब अपने स्टोरी बोल सकते हैं, एंड देन यू कैन
मतलब अपने पार्टनर को सिक्योर कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू इनकॉर्पोरेट्स. आई थिंक अदर इंश्योरेंस बाहर आउटसाइड द कॉर्पोरेट्स आल्सो उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए. yeah. अभी तो आई थिंक मतलब सब लोग कॉर्पोरेट्स में नहीं होते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा. मतलब हम दोनों बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ काम करते हैं. हमारी कंपनीज के पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है राइट. और नॉट ओनली फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इवन एग्जीक्यूशन भी एक्चुअली में होता है राइट. बट छोटे कंपनीज शायद वहां पे अभी भी काम होना काफी हद तक राइट. यू विल हैव टू मेक योर एम्प्लॉइज फील सेफ टू कम आउट टू बी एबल टू अवेल दोस सर्विसेज राइट. आपके हैं लेकिन आपने माहौल ऐसा ऑफिस का बना रखा है कि आपके एम्प्लॉइज सेफ नहीं फील करते टू कम आउट, देन वो उन पॉलिसीज का फायदा कैसे उठाएंगे राइट. हाउ विल आई यूज दिस इफ आई डोंट कम आउट एज अ गे और अ लेस्बियन और अ मेंबर ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी. वो अभी बहुत वो थोड़ा सा इंट्रिकेट है, थोड़ा सा डेलिकेट है. बड़ी कंपनियां काफी अच्छे तरीके से कर रही हैं, उनकी इंक्लूजन डीएनआई जो टीम्स हैं वो अच्छा करती हैं काम. छोटी कंपनियों को अभी भी मेरे ख्याल से इन इन मसलों पे काम करने की जरूरत है राइट. एंड इट्स इम्पोर्टेंट अगेन इफ बिग कंपनीज कैन यू नो काइंड ऑफ सप्लाई सम काइंड ऑफ असिस्टेंस टू सम ऑफ दिस स्मॉल कंपनीज, दिस चेंज कैन अगेन हैपन फास्टर. एब्सोल्युटली. ओके, वी विल एंड विद लाइक ऐसा रोमांटिक नोट पर एंड करते हैं. Because बड़ी मुश्किल से मुझे एक कपल मिला है, you know? मयंक, कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई लड़की या कोई लड़का ऐसे you know, लाइन मार रहा है? Sorry my language. ऐसा कभी हुआ है? मतलब मैं दोनों से पूछूंगी ये सवाल. एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ. हम दोनों के साथ ही हुआ था. हम लोग गए थे डिनर करने के रेस्टोरेंट में, तो हम मतलब ऑलमोस्ट हो गया था हमारा. हम बिल बिल पे करके उठ रहे थे, कैब भी आने वाली थी. देन दो लड़कियां बैठी थी सामने वाले टेबल. दे आस्क्ड अस टू जॉइन देम. उन्होंने बुलाया हमें. देन दे ऑफर्ड अस अ ड्रिंक इफ यू वांट. बट इज ब्लशिंग. उसके बाद हमने लाइक हमने थोड़ी देर बैठे उनके साथ, ड्रिंक विंक नहीं पिया. बट देन हमारी कैब भी आ गई थी तो हम आ गए. बट ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस पे. बहुत लड़कियां लाइन मारती हैं, लड़के भी. बट यू गाइस रियली 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 गुड इन लाइक वेरी नाइस टुगेदर. सो थैंक यू सो मच. एंड ऐसे हंसते रहे एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट ईच अदर. एंड या वेरी नाइस यार. Very nice conversation. Love it. Show is, you know, the concept of your show is very, very beautiful. ऐसे और shows आने चाहिए, ऐसे और dialogues होने चाहिए, ऐसे और conversations होने चाहिए, मस्ती मजाक वाले. और कोई किसी को judge ना करता हो. बस वैसा ही, वैसी हो जी society. So yeah, कोशिश तो है. Let's see. Thank you so much. Thank you once again. Yeah. Bye. Bye, Mayank. Bye. Bye. लड़ना नहीं अब शाम को. बताया क्यों नहीं था? आओ घर तुम आप. Bye-bye. 92.7